Let's do question number 12 of exercise 2C, that is polynomial. Question number 12 is, if px equals to x cube minus ax square plus 6x minus a, and gx equals to x minus a. Using the remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx. Right, friends? तो अब देखिए हम gx को क्या लिख देंगे, जीरो मान लेंगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो gx कितना था, x माइनस a इक्वल्स टू जीरो हो गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का था इधर आके पॉजिटिव का हो गया. राइट, अब ये x की वैल्यू px में रख देंगे, x की वैल्यू a रखेंगे. तो a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a. अब जहां जहां x था वहां वहां मैंने a लिख दिया है. तो a का क्यूब इज a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a. तो ये कितना आ गया, a क्यूब माइनस, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी 3 हो गई, 2 प्लस 1 3 प्लस 6a माइनस a. तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, 5a बचेगा. देखिए 6a में से एक a गया, that means 5 is the answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.